आंटी आपको भड़ोखा लाग रहा हो, देख लियो कदे नुका होया के भाई देख लो। अच्छा मेरा जना जो गाड़ी में बैठते बैठते इतनी दब जाया करते रबल थे भाई कर रहा है ना लाओ पेट हाल लिया करता शरीर ना हाल लिया करता लेकिन पेट पेट हाल लिया करता लेकिन भाई आज कभी बिल्कुल फिट है। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज फिर एक मोटिवेशनल वीडियो में लेकर आ गया हूँ भाई और जाड्या का टाइम अपना बेरा भाई दुनिया बेरा के खा कर वो अपना वजन बढ़ा हुआ है लेकिन कुछ ऐसे इंसान था आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसने भाई इतनी कड़ी मेहनत करके 115 किलो वेट जिसमें हो जिसमें गाड़ी भी एवरेज देना बंद कर दिया तो वो इंसान देख लो किसा होगा। जब गाड़ी में बैठ गया है तो गाड़ी के पहिए भी इतने इतने कट जाए नीचे रोड पे ठीक है तो वो इंसान है। आज देखो वो इंसान आप पहचान लो भाई आपके गांव गुआंड का होगा ये तो खादे भाई लगा भाई पहलवान और भाई इस आदमी ने अपना वेट तोड़ा है 115 किलो कुछ उस तो फालतू ये था और वो वेट तोड़ के आज बिल्कुल मारे जैसा हो गया बिल्कुल सलीम सेट और तू उसने इतना वेट कुकर तोड़ा उसका लोग ताने मारा करते तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो कई बार होया करना कि आप कुछ कार्य करने चले जाओ तो आपके घर के आड़ पड़ोस के नुका कर भाई तू तो मेरा धरती का बोझ बन गया है तेरे पना होना कुछ भी और वो पूरी कहानी उसके घर क्या थे बुझुआ एक बड़ा भाई भाई साहब बता रहे थे एक भाई मेरी माँ भी नुकल लग रही तू तो मेरा धरती का बोझ है तेरे पना हुआ कुछ भी आ जाओ उसी इंसान से मैं आज मुलाकात करूंगा आपकी तो आ जा भाई देखते हैं वो अब भी क्या करता पाओगा क्योंकि भाई जिसमें इतनी लगन हो जिसमें 150 किलो वजन होने के बाद और घटा के 70-75 किलो वजन पर आ गया तो कितनी मेहनत करके आया है तो आ जा भाई दिखाऊंगी एंट्री आ जा भाई कैमरा मैन तो कहूंगा आ जा भाई भाई देखे हैं कि था वो भाई कितना है आ जा भाई प्रेरणा भी आ जा ले भाई दिखा दे भाई कैमरे मैन तक कहूंगा एक बार दिखा दे यो शख्सी भी देख ले भाई कितनी वो 150 किलो का फोटो आपने दिख रहा होगा देख ले भाई यो इंसान है यो हाड़ को दला रहा भाई देख ले ठीक है और यो राज के है भाई अगर हर इंसान है अपने वजन ते दुखी परेशान है 70 की बीमारियां तो ग्रसित हो रहा है लेकिन इस इंसान ने मोटिवेशन मिला तो मिला कहां से इस जो आपको लेने के लिए हम फलाली भाई के पास में आए हैं इस वाला गांव में फलाला हम खड़े हैं सापले के पास में एक गांव है और भाई से बात करेंगे तो भाई रुक जा भाई ये दिखा दे भाई और भाई क्या हाल है भाई राम राम आप सुनाओ कैसे बढ़िया भाई क्या बात भाई हम तो ये फोटो वाले ने देखना आए थे किस भाई से मिलवा देते एक बार भाई है भाई 115 किलो वजन का भाई था 7-8 महीने ना भाई झूठ बोल रहा है यार यार कोई झूठ नहीं भाई भाई आप सुनो काम भाई आप मिलन नहीं आ रहे हम आ रहे हैं भाई से मिलन ये भाई से मुलाकात करने तैयार आ रहे हैं यो भाई यो है भाई इस भाई अच्छा। ने 7 महीने में अपना भाई हम सामान नहीं सकते बड़े भाई ये देख लो भाई यो फोटो वाला यो अपना लग गया भाई कैमरा मैन आई एक बार आगे ने यो फोटो वाला अरे भाई में कुछ फर्क नहीं है आपका भाई था ना कोई बड़ा बड़ा झोटे हो गए थे भाई भाई ने लग गया देख लिया भाई जोर बोल रहा है भाई जज नहीं रही मारा तो यह बात भाई जो इनकी माता जी है उन तक बात करेंगे भाई क्योंकि भाई जन्म दिन वाली ना बेरा है भाई ये मेरा छोरा है वो भाई है ये अगर उसमें तो ये बड़ा है छोटा है कौन सा अगर मारे गला धोखा कर रहे हैं कदे हड़ बला के अरे सह कोई साथ बता कोई से न रहे हैं तो कई बार ईशानी हो जा करे लेकिन यार देखो ये आंटी राम राम आंटी वो ठीक हो तो भाई ये माता जी है तो आंटी हमें इस भाई से मिलन आए थे भाई से मिलवा दो आपने मिलने भाई यो भाई रहे हो कौन सा यो वो है सही हो ना 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 यो तो कौन है यो तो झूठ बोलो आंटी आप यो ही है देखियो इस मारी इसमें फर्क कौन है फर्क तो सही भाई इसने मेहनत करी है अच्छा ये मैं देख लो भाई किसा लग गया भाई देखो पहलवान होया कर ना भाई देख ले है दिख रहा कुछ आंटी का यो 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 है मेरा छोरा कदे आंटी आपको भड़ोखा लाग रहा हो देख लियो कदे नुका होया के भाई देख लो अच्छा मेरा जना कुकर तोड़ा इतना हम तो ना मान सकते हैं क्योंकि ये देखने वाले हैं ये तो मतलब चंपा खा रहे हैं चीज तो अब भाई इतना वजन वाला और यो आज मतलब कितनी फिट हो रहा है शक्ल सूरत मिलती होगी अच्छा धोखा खा रहे हैं अच्छा मैंने भी धोखा खवाऊंगा अच्छा ना भाई जन्म क्योंकि हमने तो पता नहीं बोला ये भाई जन्म दिन वाली
ना तो भाई बेरा हुआ है भाई, लेकिन और तो आंटी धोखा खाए जाएंगे भाई, और खा जाएंगे तो मैं क्या करूं। ये देखो तो तुम भी हो, यूं करो कोशिश करो भाई। ये डंखरे भाई मुका मारा वजन ना टूटता, और घर क्या ना अपने भी मोटे मोटे बड़ा के मतलब बोझ लग गया, आपने भी लग गया था भाई। मैं भी मोटी थी, मन भी बहुत। अच्छा हां, मन भी वर्जश करी भाई, मैं भी साहब ठीक है, गई घूमे फिरया भाई, खाने पर कंट्रोल करया, अच्छे अच्छे मतलब खान पीन मतलब फल फ्रूट वैसे मतलब ये बादाम वैसे अखरोट ये चीज खाई इसने। अब भाई सलाद वाला ज्यादा खाई है, प्रैक्टिस पर जोर दिया। और तो भाई इस घर में एंट्री मार दिया फिलहाल हमने, और आपने यो भाई और जो नीचे ये वीडियो चल रही है आपने उनमें दिखता भी रहेगा, यो भाई यो वो हिस्सा है जिसमें भाई जब वजन था भाई में जब इतना 100-150 किलो का था, जब यहाँ पे इस हिस्सा गए अपनी एक्सरसाइज करनी चालू करी थी भाई ने फिलहाल, और ईब भी जब हमने एंट्री मारी जब भी लाग रहा था। आंटी कितने घंटे कराई हो मेहनत भाई? भाई इसका कोई अंदाजा ना है। अच्छा यो 20-21 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर दे है। अच्छा जब इसके मन में आवे यो न डेली है लेकिन 2-4 दिन का गैप भी दे है। अच्छा अच्छा और भाई खूब यो एक एक डेढ़ दो घंटा पर जिस करे यो करे। तो भाई पूरी बात बूझेंगे और इस फैमिली का भाई परिचय भी आप तक करवाओगे, तो भाई इस फैमिली का परिचय करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि भाई इस भाई ने बहुत संघर्ष कराया लाइफ में, और भाई इस भाई ने इतनी मेहनत करके इतना कष्ट करके, और भाई 8-9 मतलब महीने बता रहा भाई अगर ना कुछ मीठा खाना ना और कुछ करना ना तड़ा उड़ खाना मतलब हर चीज तो दूर ठीक है। जब होया भाई जीप पर कंट्रोल कराया भाई ने, जब जाकर आज इस तरीके से आपने दिख रहा भाई 70-75 किलो फिलहाल भाई में वेट होगा, इतना होगा बड़े भाई 75-76 किलो। तो बड़े भाई सब तो पहले अपना परिचय दो हमारे दर्शक का, गांव गोहांड जिला तहसील के बारे में जानना चाह रहे हैं। भाई साहब मेरा गांव समाल, मेरा नाम सीटू, तहसील सांपला, जिला हरियाणा से हूँ मैं। मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 115 kg वजन था, और मैंने अपना वजन 45 किलो 8.5 महीने में कम कराया है, और पूरा फैट लॉस कराया बिल्कुल। हमने अपना चेकअप करा तो टोटल फैट लॉस है मेरा, जो कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया था। तमाम एक्सरसाइज करी, बढ़िया खाया पिया, बादाम ड्राई फ्रूट सब्जी फल फ्रूट खाए, बाहर का मीठा तला हुआ सब्जी सब मैंने गलत चीज सारी बार की छोटी, कितना घूमना फिरना था 9-10 महीने के लिए ऐसे हो गए थे जैसे अपने घर में कैद हो गए हैं, कैद हो गए। और उस चीज का रिजल्ट मैंने मिला, और मैंने 45 किलो वजन कम कराया, और 45 किलो वजन कम करना अपने आप में भी मैंने खुद ये हो रहा है बिल्कुल कह सके भाई साहब, क्योंकि लग नहीं था इसके में हो जाएगा। जाते आते बैठते उठते ऑफिस में कपड़े पहनते गाड़ी चलाते तो कुछ अनकम्फर्ट फील हो गया था, एकदम ऐसा हो गया था जिंदगी ना के बराबर है, ना के बराबर है। और आज तक भाई साहब कोई शराब दारू का सेवन नहीं करा, उसके बाद भी मीठे वगैरह ना बढ़ा दिया था, जैसे हमने सारी चीजें परहेज कराया और लगातार 2-2 घंटे शरीर दे दिए तो 8.5 महीने में चेहरा आपकी शैमी है। और भाई एक बार तो भाई हम भी धोखा खा गए थे जब पहली बार भाई ने हमारे द्वारा फोन करा और अपना फोटो भेजा ना, नबला भाई यो फोटो देख पहला का 2-3 साल पहला का जो था ना वो भाई ने फोटो भेजी, और आज का फोटो देखा मैं बोला भाई साहब आप झूठ बोलो हो, नुला रहा भाई मैं झूठ ना बोलता, बोला सच मान जा जिसने मैं पैदा कर रहा उससे तो पूछ लेगा, मगर भाई आंटी के पास माऊंगा भाई जरूर पूछे क्योंकि भाई थोड़ा हा बुझना पड़ा है, क्योंकि देखो मारा भी धोखा लग गया था हकीकत में। अब जो पहला एक्सरसाइज कराया करता भाई स्टार्टिंग करी थी भाई ने उस मारी इसमें बुधन रात का अंतर है, दिखाइयो भाई साहब 115 किलो वजन की जो मेरी वीडियो है वो देखो बैसा ला रहा हूँ घर, ये देख ले भाई ये भैंस नवाते की है भाई, जब भाई भैंस नवा रहा था जब वजन था इसमें भाई में 115 किलो, फालतू बुला पाओगा तो राम राम आंटी। आंटी एक बार अपना नाम बता दो। अंगूरी देवी। और तो आंटी कुकर के भाई ने फिर मतलब जब उस टाइम भाई का वजन था भाई चेहरे में भी फर्क था भाई काला पड़ता आ गया था या शरीर इतना भारा हो गया मतलब क्या कहा करते हो भाई मोटापे की वजह थी सारी। और क्या था खान पीन का मतलब रख है को भाई मन होता ना कोई है वो उस तरीके का कोई नहीं है इसमें नहीं है कोई भी। अच्छा दारू सुल्फा हुक्का भी एक आधी बार झूठ मार दिया कर था। अच्छा 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 वो भी बंद कर दिया, वही बंद कर दिया कि हां इसमें कोई अब नहीं किसी किस्म। तो आंटी मतलब अगर भाई 10 साल में अगर आता वजन तोड़ के तो एक बार आप भी धोखा नहीं खा जाते? भाई ये तो बात थी है मतलब आप क्या जड़ होता तो खाती है धोखा नहीं खाया जाओ बिल्कुल। मैं देखी कोई कष्ट हूँ ना देखो माँ तो भाई माँ होगा माँ ना तो यार जी ने जन्म दे रखा वहां थोड़ी ना भूल जाएगी उन्हें, लेकिन फिर भी एक चेहरे में देख के और फिर वो शरीर था आंटी वो थोड़ा हाथ हर वक्त रहे इस मारे आपने नहीं बेरा भाई मेरा लड़का हर माँ धोखा ना खा कर बिल्कुल। तो क्या दिखाना चाह रहा भाई एक बार भाई की और दिखा दे। ये देखो मैं रूम में जब अपनी एक्सरसाइज कराया करता तो इस तरह मोटा था, जिम में जाते ना भाई शर्म आया करती। अच्छा आपका भाई 50 आदमी वर्कआउट कराओ जिम में। अच्छा देख ले भाई
जो इस भाई की एक्सरसाइज नहीं करवा पाया आज तक, तो भाई आज उनकी एक्सरसाइज करवा रहा है। देख लो जब यो भाई मतलब कस्बा न्या करता भाई को न्या बस की भाई कूदना उछड़ना, और आज देख लो यो भाई और एक्सरसाइज करवा लाग रहा है। तो भाई कितना के संघर्ष करा यार भाई कुकर आपने मतलब थोड़ा बताओ मार्गदर्शक गणखरे भाई नुका यार कोने टूटे अपनी जिंदगी से दुखी हो लिए। देखो भाई साहब मैं सब ने यही प्रेरणा देना चाहूंगा जो जो भाई मेरे के साथ मोटा है या अपने शरीर से न्यू मान रहा है मैं काल हो गया और उन्हें वजन नहीं घटा सकता तो या कती गलत बात है, वजन बिल्कुल घटेगा। आप चाहो तो भाई साहब के जरिए मेरा नंबर ले सको, मैं आपने टिप्स बताऊंगा और पूरा खाने पीने पर अगर हम कंट्रोल करेंगे और पूरे 24 घंटे की कैलोरी अपने आप मेंटेन करेंगे कि भाई हमने इतनी चाय पीनी इतना दूध पीना है हर चीज ने स्किप करेंगे तो हम अपने वजन डेफिनेटली महीने का 4 से 5 किलो घटा पाएंगे। क्योंकि ज्यादा घटाना भी ठीक नहीं है, लेकिन 4-5 किलो वजन घटाओ और अच्छी सेहत पाओ भाई ये बिल्कुल कर सके। ये खा करते बड़े भाई जो इतना वजन भाई पहले आते यूं खा करते बिल्कुल नहीं भाई साहब बिल्कुल ये खा रहे अच्छा घी खाना घी गुड़ खाना बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना बाहर होटल में छक्कर रोटी खानी रोज हरिद्वार जाना हफ्ते में 10 दिन में कुल मिलाकर अपना सारा सौदा बिगाड़ रहे थे। लत्ते न्यू होने लग गए थे हर गठरी आज पैर दूसरा फेंक दिया तीसरा फेंक दिया कि जान के ना जान के ना सारी चीज भाई ठीक होगी करके भी राजी है शरीर भी राजी शरीर बिल्कुल देख लो यंग भाई डेली वर्कआउट करा कति सारे सारी किसी के साथ देनी पड़ती हरी बंटी हुए अपनी भाई वीडियो में देखो या दिखाना चाहूंगा ये भाई साहब दिखाओ ये दिखा दे भाई भाई शुरू में जब भाई ने भेजी ने मेरे द्वारा वीडियो में बिल्कुल नहीं इनकार कर दिया ना भाई यार झूठ बोला लाग रहे हो आप या चीज दे नहीं यार तू एक बार मैं तन्ने दिखाना चाहूं ये भाई का वीडियो निकालनी पड़ेगी एक मिनट के लिए समय दे इतना बात करो आंटी मैं निकालता हूं। तो आंटी मतलब बचपन से गोलू मोलू था बाद में ही मैं होया था लेकिन न्यू थोड़ा ना था कति हां कुछ ना वजन एक हो जा रहा बालक बचपन तो ही शॉट बचपन पता ही देख ले का आयो देख ले आयो अच्छा बिल्कुल दीवार पे पैर लगा दिया करता लेकिन भाई इतना मोटा था इसमें देखो आप जब 115 किलो वजन होने के बाद भी पैर लगा दिया करता लेकिन ये भाई तभी का आपने को ना को मैं इतनी मोटिवेशन मिलेगी क्यों मिलेगी अगर जब भाई 15 किलो 150 किलो का होकर और आज 70-75 किलो का है तो इसकी मेहनत है वो कह रहा ना भाई मेहनत रंग लेती है माँ बाप कह रहा बेटा मेहनत करे मेहनत रंग लेकर आओगी आज ना 10 दिन बाद देखो वो वीडियो तो नहीं मिली लेकिन वो अपने गाड़ी में बैठे ये गाड़ी की दिखा दे मोटापे की वीडियो देख लो भाई बिल्कुल भाई साहब हर आदमी मेरे तक प्रेरित है और मैं वर्कआउट 50 आदमियों को जूम पे क्लास भी देता हूँ अच्छा, और 47-50 माता बहन भी हैं और अच्छा, भाई भी हैं जो डेली सुबह 7:30 से 8:30 मेरे से जुड़ रहे हैं अच्छा जी। और किसी भाई ने जुड़ना तो मेरा कॉन्टेक्ट ले सके है पहला जी क्या करता मेहनत करता भाई साहब जबकि तक पार्क में एक्सरसाइज करा था तो मैं सारे का लोकल लेकर जा रहा था मेरे पेट ने देख लिया लेकिन भाई आज ऐसा कुछ नहीं है ये देखो मेरी मोटापी की वीडियो है मेरी दिखेगी आपने हरिद्वार होटल में जा रहा था ये देख लो भाई। देखो भाई चाल है और इसके आते ही मैंने प्रेरणा ली थी अच्छा अरे भाई वो मेहनत का फल है भाई ने इतनी मेहनत करी और सबसे बड़ा जीप कंट्रोल आंटी कह सके है सही बात है जीप पर कंट्रोल करोगे सारे भाई सुथरे लगोगे तो भाई मोटे मोटे भाई हैं ध्यान दो भाई शिटू भाई की तरह हाँ हाँ भाई हल्के हो जाओ बिल्कुल सतरे लागो जो पर होगे थारा अच्छा लगेगा थारा जी भी करेगा भाई रिश्तेदार ने भी परिवार ने भी घणे अच्छे लगे थारी माया ने तो लगो माया ने तो और बढ़िया लाग गया करा भाई मारा बड़ा और और पहला देख लो पहला नु चलता होगा भाई भाई पहले आड़े के फोटो है सारे जो अरे देख ले ये चल रहा था भाई कितनु मतलब सारी चीज भाई दुख पाओगे किस तरीके से मेहनत करी थोड़ा मेहनत के बारे में बताओ। मेहनत भाई साहब डेली सुबह 4 बजे उठना 4 बजे उठकर गर्म पानी पीना ग्रीन टी पीनी
उसके बाद में पार्क में जाकर बढ़िया 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करना, घर आकर ठंड होती था आधा घंटा अपने रूम में भी एक्सरसाइज करनी, और भाई साइकिल 20-20, 30-40 किलोमीटर एक छोड़कर साइकिल चलाई, वो सारी मेन रोल उसका कैलोरी का है। कैलोरी का मतलब है भाई खाना खावा जो हमें वो कैलोरी मैंने मेंटेन करी, गेहूं बिल्कुल त्याग दिया भाई, ये भी नहीं खाता मैं। अच्छा जी। हाँ, मल्टीग्रेन आटा और जो की रागी वगैरह का बाजरे का है, यो सारा सौदा हरी सब्जी, आलू मैंने बिल्कुल छोड़ दिया भाई, आलू फैट है बिल्कुल। गूंद घी मैंने कम करया, ये फिर शुरू कर दिया, पर मेहनत भी ज्यादा होने लगी, पहले मोटा पे मेहनत नहीं हुआ करती, तो गूंद घी का इसका असर जो था वो था। मतलब रेस लगा दो बड़े भाई, रेस भाई साहब मैंने कम लगाई, मैं बताऊं कि वजन ज्यादा था, गोड्या में दिक्कत आ सके थी, मैंने खड़ा होकर कमरे में पार्क में वर्कआउट कराया बढ़िया, और रेस के मामले मैंने साइकिलिंग बहुत ज्यादा करी है। अच्छा, रेस लगा ली और साइकिल का किलोमीटर, साइकिल भाई साहब मैंने एक साइड एक नॉन स्टॉप मैंने 25 किलोमीटर चलाई है, 25 किलोमीटर तक मैंने डेली साइकिल चलाई, अब चार दिन और एटलस साइकिल भाई साहब अपनी गोशाले में खड़ी है, एटलस साइकिल चलाई मैंने, आपको वीडियो में दिखाई भी है, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का असर है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल इस असर हो रहा है, अब तक तीनों कांचे कट रहे हैं, कांचे कट रहे हैं, कती मजा आ गया, बात है अपने आप ना कभी बूढ़ा महसूस करने लगे थे, भीतर तो अंतरात्मा ने मान गई थी, अकबर इस ताकत के में नहीं है भाई, देखो वो का अगर की बातें हैं, लेकिन भाभी उस ताने तूने मारती हो गया, क्या हो गया तू भाई, क्यों करी इतना भाभी ताने मारती, माँ ताने मारती, यारा प्यारा पड़ोसी कोई सा था कोई ना, जो मैंने देख कर नहीं कहता भाई यो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सब ने मैं खा लिया था, खा लिया जब भी मैं किता जाता ब्याह शादी में, सबसे पहले कहते सीटू यो क्या कर रहा है, मेरा काम शादी था जाया करता, मैंने जाना कम कर दिया था, कम कर दिया, लेकिन भाई किता जो आपके मतलब जो फ्रेंड सर्कल में है भाई, और यार दो तीसरे टकरे हैं तो थोड़ा हाथ धोखा नहीं खाते भाई साहब, बिल्कुल धोखा खा जाया है, जो आदमी ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में देखा होना, वो आदमी तो पहचानता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ना कुछ तो पीछे हट जाए मेरे राज जो पहले थे, और जो अच्छे आदमी सही शरीर तले का जोड़ना चाहूँ वे मेरे पे 50 आदमी वर्कआउट मेरे साथ हैं, और जो किसी का 10 किलो किया 20 किलो किया 15 किलो ने मैंने वजन घटवाया है, लेकिन भाई जो आदमी खुद जिम में जाती है ना डरिया करता, या कोई फर्क में एक्सरसाइज कर ला गया उसके बराबर में लकड़ती डरिया करता, आज वो इंसान हमारे साथ में खड़ा है 150 किलो का आदमी, जो गाड़ी में बैठते गाड़ी इतनी दब जाया करते, टायर इतनी दब जाया करते, और गाड़ी ने एवरेज देनी भी बंद कर दी, एवरेज कम कर दी भाई, सीएनजी गाड़ी बने पर छोटी सी हो गई, एवरेज कम हो गई थी, गाड़ी भी सब पा गई भाई, गाड़ी ने कहा तो चलो तने थोड़ा हाँ मेरे प्रधान था खाया तने, बड़काली बनियान लो टी शर्ट डालने लगी भाई, ना तो मारे ना आपके तो लते नहीं थे इस दुकान पर, जाते नहीं करते अगली पागली जाते था अगली दुकान पाइए नहीं बना, पाइए नहीं अगली दुकान, आज देख ले हमारे जितने भाग लागा भाई देख लो, अगर थोड़ा बहुत भी फर्क लगता होता है, इसे लागा 20-25 साल का 25-26 साल का यंग बालक जो है अगर, और देख ले जब 14 साल में 14 साल पहला कै साल गए होंगे बड़े भाई, अब भाई जो मेरी 36 साल उम्र है तो उस टाइम इसे हो गए भाई, समझ ले 25-26 साल के हो गए, 25-26 साल का इंसान उस टाइम लग गया था 40-50 साल का भाई, मैंने अपना मोटा पाना 15 से 16 साल बढ़िया कभी बुग्गी में गिर के माटी ढोया कर अपना मोटापा ढोया हमने ढोया हवा, अरे जो मैं मोटापे तो ग्रस्त था ना लकड़िया हूँ, तब मैं अपने तो साहु घर आदमी नहीं मानता शरीर के मामले में, बिल्कुल भाई सब नर बड़े बड़े संता ने भी एक चीज कही है, जो अगर शरीर की जगह स्वस्थ ना उसका धनवान आदमी कोई कोन्या, बिल्कुल कोन्या भाई साहब, किसी द्वारा पीसा है और तो शरीर का सुख कोन्या, शरीर है और तो पीसा, लेकिन भाई शरीर है ना तो सब कम है, वो कुछ भी कर सके बड़े भाई, बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि जो शरीर है ना जब सब कम है ये भी सा महसूस हो, पहले नहीं लगा यार ना ना ये फालतू बात है, लोग जिम में जा है वर्कआउट करे हैं ये 2-4 दिन कूदेंगे चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मन ने भी सा लगा था, लेकिन मैं हरे जा खाड़े में जाता जब शर्माता, कभी बचपन में चले गए चले गए, जिम में जाता जब शर्माता, रोड पर जाता जब, पर जब मैंने शर्म त्यागी ना अर्थ भाई जो वे कर रहे हैं ना उनके बराबर पहुंच गया, उन भाइयों ने बहुत साथ दिया, जो जो भाई मोटिवेशन दिया उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है भाई, और पहला क्या था पहला वो पेट तन रहा था भाई, गगन था इतना पेट था ना भाई, इतना पेट मन अपना पेट भाई साहब नाप के पीते थे। अच्छा। 16 इंच कम करया 16 इंच एक तो 5 इंच ये फुट 5-6 इंच मतलब 1.5 फुट मैंने पेट कम करया, 1.5 फुट को कम नहीं होता, बिल्कुल पेट मेरा आड़ था ये सोते न्यू थे पाँव रबड़ थे मतलब सारा शरीर मेरा, ये तो बड़े भाई ऑफिस पे जाते होंगे जो घरा घरू खाते होंगे वे तो मतलब नुके भाई साहब, जो 6-7 महीने था जो कोई आदमी पहले देखा था नहीं माना था यो मानो से कोई इस तो कोई व्यवहार नहीं था अपना, अब इस तो कोई व्यवहार नहीं, धीरे धीरे मामला ठीक होया कि बाजार में शादी देख ले भाई वो आदमी है, लेकिन हर आदमी सीख लेता भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मैं उसने बताता हूँ भाई मेरी बात मान ले मेरे लड़ा के हो जाएगा, अपना दिखाऊंगे थोड़ी भाई एक्सरसाइज थोड़ा हाथ दिखा दो हमारे दर्शक का थोड़ा यकीन हो जाए बड़े भाई भाई छोड़ कूद कर जो भी अपना सारी वर्कआउट करिए पार्क में ये देख रहे और वो मोटेपन का भी आपने दिखाऊंगा एक्सरसाइज, वो जो नीचे भाई चल रही है फिलहाल वीडियो गेल की गेल बाइक की चल रही है भी आप देख भी रहे होंगे नीचे, और जो आज एक्सरसाइज वो भाई कर रहा है पहला वो पेट हल लिया करता शरीर ना हल लिया करता लेकिन पेट पेट हल लिया करता, लेकिन भाई आज कभी बिल्कुल फिट है
और आप भी भाई भाई तो मोटिवेट होकर आप भी अपना वजन कम कर सको, लेकिन जीभ पर कंट्रोल करके भाई। जीभ पता भाई ठीक है, जीभ तो पहला करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल जीभ का कंट्रोल नहीं करे ना तो एक्सरसाइज या कोई रोल नहीं है भाई। या आदमी ने ऊपर उठा दिया कर, या नीचा करवा दिया कर, क्योंकि देखो खान पीन का 90% रोल है शरीर में, एक्सरसाइज का 10-15% रोल है भाई। सब ठीक रखना, एक्सरसाइज है मेंटेन करने दाई, बिल्कुल जो भीतर जाएगा उसा ही भीतर लगेगा, उसा ही लगेगा। जिसा खाओगे और वो कर, जिसा बोगे उसा काटोगे भाई। बस 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 ठीक है, सबसे पहले डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी भाई साहब। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के बारे में बड़े भाई साहब? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, आप आए, आपने पता लग गया भाई साहब ने वजन कम कराया, आपने मिलना चाहा, बहुत बढ़िया लग गया। और आपके चैनल पे ऐसी वीडियो बनती रहे, और आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई भाई जैसा आप अपने आप में सोच कर, कोई पैसा नहीं लगाना 1% भी, लेकिन आपने अन्न का और टाइम का अपना सुधार करना, एक्सरसाइज करनी, आप ओके हो जाओगे भाई साहब। नमस्कार। बिल्कुल, और जितने भी भाई और हैं, अगर किसी भाई ने वजन ज्यादा था और कम कर रहा है, या किसी में कतिय कम था जो ज्यादा कर रहा है, अगर किसी भाई ने वीडियो बनानी है, कुछ भी विज्ञापन देना है, तो हमारे शेर मीडिया जो चैनल है वो आपको मोटिवेट करने का काम करता है। आपने लगातार देखी होगी मेरी वीडियो, बहुत सारी ज्यादातर मेरी पहलवानों की वीडियो मिलेंगी, आपने मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी। आप सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर। तो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखाना प्रीतम नागर की। राम राम भाई।